Bismillahirrahmanirrahim. Pensioners Platform Truly. Note sheet के हवाले से एक लेक्चर पहले अपलोड हो चुका है. उस लेक्चर में हमने देखा था कि नोट क्या होता है, फाइल कैसे तैयार की जाती है. आज हम नोट शीट लिखने के हवाले से देखते हैं. ये आपके सामने नोट शीट पेपर पड़ा है. इसकी जो लंबाई है ये 12.5 है और इसकी जो चौड़ाई है ये 8.5 है. जो फॉन्ट साइज़ हम यूज़ करते हैं वो 12 होता है. नोट शीट में हम जो लिखते हैं उसका साइज़ 12 होता है और उसकी जो टाइप है वो एरियल चलती है, एरियल. और साइड पे देखें, एक साइड पे इसके मार्जिन छोड़ा हुआ है, दूसरी साइड पे नहीं. तो इधर मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा है, ये आप देख रहे हैं. मार्जिन इधर ज़्यादा देने की वजह ये है कि यही पेपर जब हम फाइल में लगाते हैं तो यहाँ पर होल हो जाते हैं. तो अगर थोड़ा मार्जिन छोड़ा जाएगा तो वो जो लिखा होगा नोट शीट में वो कट सकता है, इसलिए इस साइड पे जगह ज़्यादा छोड़ी जाती है. जबकि इधर फुल पेज पे लिखा जाता है, इधर मार्जिन नहीं छोड़ा जाता. लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप मार्जिन छोड़ भी सकती हैं चारों साइडों पे, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट 1 इंच का मार्जिन छोड़ सकते हैं. लेकिन नॉर्मली जो चलता है कि इस साइड पे मार्जिन छोड़ा जाता है, इधर नहीं छोड़ा जाता और इधर मार्जिन भी ज़्यादा है. अब हम देखते हैं कि नोट शीट कैसे लिखनी. सबसे टॉप पे डिवीजन का नाम लिखा जाता है, जैसे फाइनेंस डिवीजन है जो कि पेंशन के सैलरी के लेटर इशू करती है. कोई भी चेंज आती है तो ये फाइनेंस डिवीजन करता है, कई दफ़ा कैबिनेट डिवीजन भी करती है. तो सबसे टॉप पे फाइनेंस डिवीजन आएगा. इसके बाद इसके नीचे जो सेक्शन होता है मुतलका सेक्शन, वो अपना नाम लिखता है. जैसे फाइनेंस डिवीजन है, आपने इसके कई लेटर देखे होंगे, वहाँ पे लिखा होता है बजट विंग या रेगुलेशन विंग, कोई भी हो सकता है. यानी जो सेक्शन जो है ये नोट शीट पुट अप कर रही है. अच्छा, जो नोट शीट लिखती हैं वो नॉर्मली BPS 17 या 18 के जो हैं अफसरान होते हैं और उनको हम अपने गवर्नमेंट करेस्पोंडेंस की लैंग्वेज में डीलिंग हैंड बोलते हैं. यानी जो उस केस को डील कर रहे हैं, डीलिंग हैंड. तो डीलिंग हैंड क्या करता है कि ऊपर जिस डिवीजन में काम कर रहे हैं वो और उसके नीचे जो सेक्शन होगी वो लिखी जाएगी. इसके बाद क्या होता है, एक रेफरेंस नंबर या इसको हम लेटर नंबर भी कहते हैं, वो दिया जाता है. इसमें क्या होता है, जो डिवीजन जो है वो लिख रही है वो अपने नाम के हवाले से इसका रेफरेंस बनाती है. क्योंकि इस रेफरेंस से, क्योंकि कई जगह पर ये जो मिनट शीट जब अप्रूव हो जाती है तो उसका रेफरेंस दिया जाता है, तो ये यही नंबर दिया जाता है, ये जो लेटर नंबर होगा. तो इसलिए ये ऐसा रखा जाता है कि जिससे ट्रेस हो सके, क्योंकि मिनट शीट देखेंगे तो पता चल ही जाएगा. लेकिन जब इसका रेफरेंस किसी जगह दिया जाएगा, किसी दूसरी जगह पर, किसी लेटर में, जैसे कोई और सेक्शन डील कर रही है तो वो हवाला देती है फाइनेंस डिवीजन की इसकी अप्रूवल का, तो ये रेफरेंस आएगा. तो ये रेफरेंस से अगर ये इस तरह का आसान होगा जिसमें पता चल जाए कि ये फलां डिवीजन का है, तो ट्रेस करना आसान होता है. तो इसलिए ये उस डिवीजन के नाम पर रखा जाता है. जैसे ये फाइनेंस डिवीजन है तो यहाँ पर आ गया FIN. इसके बाद इसका ये जो रेगुलेशन विंग है, बजट विंग है, तो ये इस तरीके से REG रख देगा. इसके बाद अगर ये केस सैलरी से मुतलका है तो यहाँ पर पे लिख दिया जाता है. पेंशन से मुतलका है, यहाँ पे PEN लिख दिया जाता है, पेन. इसके बाद एक नंबर दिया जाता है, लेटर नंबर. और इधर इस कोने में राइट साइड पे डेट लिखी जाती है, डेटेड. कई दफ़ा ऐसे होता है कि ये जो नोट शीट है ये कोई जूनियर बंदा टाइप कर रहा है, साइन किसी और ने करने हैं, लेकिन वो अपने से सबॉर्डिनेट को, तो इस वजह से डेट कैसे लिखते हैं, एक ऐसे लाइन लगा दी जाती है. इसके बाद जैसे अभी जनवरी का महीना है, जनवरी लिख दिया और कॉमा डाल दिया आगे 2023. ये रेफरेंस नंबर हो गया सारे का सारा. अब ये जगह खाली इसलिए छोड़ी है कि जिस दिन जो है
जो डीलिंग हैंड है, जिसने नोट शीट पे साइन करनी है, इनिशिएट करनी है, वो जिस दिन करेगा उस दिन की डेट डाल देगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि फाइल जो नीचे बंदा जिसने टाइप की है वो टाइप करके रख देता है अपने सीनियर अफसर के सामने। अब उसके पास टाइम नहीं होता, या छुट्टी पे चला गया एक दो दिन, या किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा, तो अगर डेट लिख दी जाए आज की लेकिन दो तीन दिन बाद साइन हो तो वो फ़र्क आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो इस वजह से क्या करते हैं, इसको खाली छोड़ देते हैं और जो भी नोट शीट साइन करेगा वो इधर अपने हाथ से डेट डालेगा। ये मैंने इस तरीके से डाला, इसको हम कह देंगे रेफरेंस नंबर। इसके बाद यहाँ पर स्पेस छोड़कर, सफिशेंट स्पेस छोड़कर, यानी अगर आप वर्ड में टाइप कर रहे हैं तो दो एंटर मार दें, ठीक है, यानी एंटर का निशान है तो दो एंटर मार दिए या एक एंटर, इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है, ये कोशिश की जाती है कि सब्जेक्ट को पढ़ के ही केस की समझ आ जाए कि ये जो है नोट शीट किस हवाले से है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि गवर्नमेंट तनख्वाह बनाना चाहती है या पेंशन में इजाफा चाहती है, तो यहाँ पे लिख देंगे ग्रांट ऑफ इंक्रीज इन पेंशन। तो जिसने भी, जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी होगी, वो सब्जेक्ट से समझ जाएगी कि ये इसकी है, एट द रेट 10% ऐसे वगैरह। तो ये सब्जेक्ट में जो भी नोट शीट में चीज़ डिज़ायर्ड है उससे मुतलका ब्रीफ वर्ड्स में लिखने को सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है और इसको बोल्ड भी कर दिया जाता है, यानी बोल्ड भी कर सकते हैं और अंडरलाइन भी, लेकिन बोल्ड ना करें तो चल जाएगा, लेकिन अंडरलाइन ज़रूर किया जाता है। इसके बाद नोट शीट लिखना शुरू की जाती और ये पैराग्राफ की सूरत में लिखी जाती है, यानी छोटे छोटे पैराग्राफ्स होंगे। तो पैराग्राफ जो हैं जितने मर्जी हों, 5 हों, 10 हों, 20 हों, कई दफ़ा एक फाइल चलती रहती है तो उसमें ऐसा भी हो सकता है 70-80-100 या इससे भी ज़्यादा पैराग्राफ बन जाए पैराग्राफ की सूरत में। जो पहला पैराग्राफ है उसको नंबर नहीं दिया जाता, यानी 1 नंबर नहीं दिया जाता, लेकिन अगर दे भी देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसको छोड़ दिया था, ये अंडरस्टूड है, यानी जब भी स्टार्ट करेंगे ये पहला पैराग्राफ, लेकिन इसके बाद नंबरिंग शुरू हो जाएगी। यस, और एक चीज़ याद रखें कि आपने जो पैराग्राफ लिखने हैं, ठीक है, वो और ये जो सब्जेक्ट, ये एक ही लाइन में चलें, जितना मार्जिन यहाँ पे छोड़ा हुआ है इसी के नीचे ही चलाते जाएं। सपोज ये यहाँ से पहला पैराग्राफ शुरू हो रहा है, तो आप जहन में इस तरीके से रखें, वर्ड में टाइप कर रहे हैं तो इसी सीक्वेंस में, यानी यहाँ से पहला पैराग्राफ शुरू हुआ, इसका नंबर नहीं दिया, फिर अगला पैराग्राफ शुरू हुआ तो ये इतना ही मार्जिन छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये जस्टिफाइड होगा। जस्टिफाइड मीन ये पूरे पेज पर ये, यानी ये मार्जिन छोड़ के, मार्जिन के अंदर रहते हुए, इधर नहीं जाना, मार्जिन के बाहर नहीं जाना, मार्जिन के अंदर रहते हुए ये पूरे पेज पर फैली होगी, ये जस्टिफाई हो जाता है। राइट अलाइनमेंट, आप वर्ड में है राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट और जस्टिफाइड, तो वहाँ से आपने इसको जस्टिफाई कर लिया। ये पैराग्राफ होंगे। इसके बाद एंड में यहाँ पर जिसने ये नोट शीट पुटअप की है, डीलिंग हैंड है, उसके नाम होगा और उसके सिग्नेचर होंगे। और ये क्या करेगा, अपने से जो हायर अथॉरिटी है, जो इसका बॉस है, उसका नाम इधर है। ये समझ लें ये आपकी नोट शीट है, नोट शीट का ये मार्जिन आपने छोड़ा हुआ, यहाँ पर इसे, अब ये सब्जेक्ट के सामने आपने लिखना है, ये सब्जेक्ट है, इसने अपने सीनियर को, सपोज कोई डायरेक्टर है, उसको ऐसे मार्क कर देना। ये तरीका है नोट शीट लिखने का। नंबरिंग जो पैराग्राफ की होगी वो 1, 2, 3 होगी और इस तरीके से पैराग्राफ बनते चले जाएंगे। अब आते हैं इस हिस्से के अंदर, यानी सब्जेक्ट और ये जो साइन कर रहा है इसके दरमियान, इसके कितने पार्ट्स होते हैं वो भी अभी हम देखते हैं। नोट शीट जो होती है इसमें, इसके 3 हिस्से होते हैं, मेन 3 पार्ट्स। यहाँ पे याद रखें, ये मैं बात करूँ पार्ट्स, नॉट पैराग्राफ। पैराग्राफ तो चाहे जितने मर्जी हो जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ पार्ट्स की, थ्री पार्ट्स। इसमें क्या होता है, जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर ब्रीफ हिस्ट्री लिखी जाती है केस की, यानी नोट शीट में क्या करना है, आपने अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी है, कोई डिसीजन करवाना है या उनके व्यूज लेने हैं, तो जिस जो भी केस है, जो भी मसला मसाइल है, उसको उठाया जाता है पहले पैराग्राफ में, उसको एज इट इज़। कई दफ़ा जैसे पीयूसी है, पेजेस अंडर कंसिडरेशन पीयूसी, इसमें वो मसला होगा या कोई एप्लीकेशन होगी या कोई केस होगा, उसको बुनियाद बनाया जाता है, इस केस में जो कुछ भी है उसको रिप्रोड्यूस किया जाता है सिंपल वर्ड्स में, यानी एज इट इज़ नहीं कॉपी किया जाता, ये याद रखें। पीयूसी में जो लिखा है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को पहले पार्ट में दिया जाएगा, पहले पार्ट में एज इट इज़, यानी मकसद ना चेंज हो लेकिन अपने वर्ड्स में बयान कर देना, ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट जो होता है, इसमें रूल्स रेगुलेशन का हवाला दिया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसी तरह प्रेसिडेंस भी दी जाती है, प्रेसिडेंस, यानी ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के हवाले से रूल्स कोट किया जाता है कि इसके हवाले से ये रूल्स है, या पास्ट में कोई इस तरह का काम पहले हो चुका है या नहीं हो चुका। इसके बाद थर्ड पार्ट जो है, इसमें रिकमेंडेशन दी जाती है, थर्ड पार्ट में, कि भाई ये जो प्रॉब्लम है, यानी जो भी डीलिंग हैंड है वो अपनी रिकमेंडेशन देगा, या जो भी उसके माइंड में है वो सजेस्ट करेगा, ताकि जो अथॉरिटी है रूल को भी देख ले, और ये जो कहना चाह रहे हैं या जो इन्होंने सजेशन दी है उसको भी देख ले, फिर जो उसको सही लगता है उसके मुताबिक डिसीजन कर दे। अब ये जो पहला पार्ट है, इसके भी कई पैराग्राफ हो सकते हैं, यानी पार्ट तीन हिस्सों पर ये मुश्तमिल होती है मेनली, पहले हिस्से में प्रॉब्लम, दूसरे में रूल्स रेगुलेशन, तीसरे में सजेशंस रिकमेंडेशंस। अब इनके हर पार्ट में कई पैराग्राफ हो सकते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ों के बारे में समझ हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।